उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत केवल एक सपना नहीं है, यह हमारा लक्ष्य है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को और से बहुत बड़ा त्याग और योगदान की आवश्यकता होगी, इस पर विचार करें। इसी दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, यह एक व्यक्तिगत प्रयास लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर 140 करोड़ लोग ऐसा करें तो आप अपने बच्चों को भी समर्पित इसे कर सकते हैं। ये कहते हुए मैंने एक पेड़ तुम्हारी माँ के नाम पर लगाया है, तुम भी बड़े होकर एक लगाना, सोचिए यह कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था, एक पेड़ माँ के नाम, मैंने भी लगाया, मामी ने भी लगाया। ये एक व्यक्ति का करते हैं, पर 140 करोड़ लोग जब ऐसा करेंगे, बच्चे के नाम भी कर दो कि भैया तेरी माँ के नाम का पेड़ में लगाता हूं, तुम बाद में लगाना, तो कितनी बड़ी क्रांति आएगी। गांधी जी ने जो हमें सिखाया यहां पर प्रकृति के प्रति प्रेम, उस प्रेम को दुनिया भूल गई और आज जिसको हम कहते हैं बदलता हुआ पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज मीनिंग्स, वो सबको पता है, दूसरी धरती तो है नहीं रहने के लिए, और इसको हमें रहने लायक नहीं छोड़ना। उसमें प्रधानमंत्री का यह आह्वान कारगर साबित होगा एक तरीके से।